कार्ड जी, शॉपिंग डन। और जो शॉपिंग आज हमने की है वो आपको चेक करवा दे। खुश है? खुश हूँ। चले शॉपिंग डन। चलो चले। अफोर्डेबल इतनी कितनी कीमत है ये देखे, इसकी कितनी है? इसका नहीं टैग, ये मुझे पसंद है। ये देखे, इस पे मना दे रहे हैं लैलपुर गैलरिया के रात। तू कहना है उसे यूएसए जो चीज है उसे है लैलपुर गैलरिया। फिलहाल हम जा रहे हैं कॉलेज के हॉस्टल में जहाँ पर हमने तकरीबन 4 साल गुजारे हैं। जंग हमारे हॉस्टल था या मैस फास्ट फूड। आपके दादा अबू है? बाबा कैद और तभी ऐसे ठीक जबरदस्त। बाकी लड़के बाकी बड़ा ब्लॉग वीआईपी बन गया बीएस का जबरदस्त। किधर क्लास होंगी तुम्हारी? गालब मैं पहले भी आपको अपने हॉस्टल का टूर करवा चुका हूँ। ये हमारे रूम होता था उस वक्त, तो जहाँ पर मेरी चारपाई होती थी, यहाँ पर एक और दोस्त की होती थी, ये मेरी विंडो होती थी उस वक्त। तो ये मिरर अभी इस कमरे में लगा, ये बस चेंजिंग आई है और कोई चेंजिंग नहीं आई। बाकी ये इस तरह के हॉस्टल के रूम होते थे 2022-23। वाह बस सब वॉशरूम गीजर लग गया। वाह गर्म पानी तो नम सोन सर्दी में चलता है क्या? चलता कोई नहीं, लग गया चलता कोई नहीं। अच्छा बाकी तो मुझे पता है अगले माहौल बानी पैंट मेरी तो नहीं पे शर्ट। ये आम के पेड़ होते थे यहाँ पर, बड़े लजीज और मीठे आम लगते थे जो है ना, बड़ा मज़ा आता था। जब क्लास लेकर हम वापस आते तो यहाँ पर हम आम तोड़ कर खाते थे। और जामुन के दरख्त, ओए होए क्या मैं कहता हूँ, जो है ना पूरे पाकिस्तान में ऐसे नाश्ता करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। यहाँ से हम जामुन भी खाते थे, आम भी खाते थे। ये वो नलका है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब हो चुका है। बाकी वो सामने है लाइब्रेरी, ये है डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस, और इस साइड पर ये नई बिल्डिंग बनी है बीएस की। नदीम ना मेरे पास आता था, कहता है नदीम कौन? नदीम वो अपना रूममेट। हां बीएस मैथ वाला। अच्छा वो आके मुझे कहता था आ शेखा तेनु आज आम खवा। आम के तरह इधर भी एक मस्जिद के साथ भी होता था, वो ज्यादा मजेदार होता था। इस साइड पर जो है ना, इसकी बैक साइड पर लाइब्रेरी की बैक साइड पर जो है ना जामुन के दरख्त होते थे। कसम इतने जामुन खाए हैं हमने, इतने आम खाए हैं। तो बिल्कुल अभी हम सामने जा रहे हैं, यहाँ से हम करवाएंगे फोटो कापी। ये नई बिल्डिंग बनी है बीएस ब्लॉक की, तो बड़ी तरक्की हो गई कॉलेज में। दो कापियाँ का। हाँ ठीक है, वो नाल अटैच कर। दो कापियाँ अटैच करनी है, दो पेन कार्ड ते, बल्कि दो नहीं तीन कापियाँ का हर चीज़ दी। चलो ठीक, जल्दी अब फिर पहुँच पोजिशन संभाल। यहाँ पर कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि अगले लेडीज है। सही होगा, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज, ज्यादती की है आपने। अल्लाह दिखा बहुत मजाक बर्दाश्त, कितने मजाक बर्दाश्त करने जी। माशाल्लाह अभी हमारे जो कॉलेज है उसने फिल्टर भी लगा दिया, फिल्टर प्लांट। ये सुसी काविश है, किस भाई की काविश है? प्रिंसिपल साहब ने नहीं, शेख रिशान साहब। बैठ के पी लो यार, छोटे छोटे बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं। नाराज हो गए, क्लास चल जाए। मुबारक भाई, क्लास चल जाए। नहीं रो पा के रखो, इधर बाहर लड़के खेले
कुड़ियां बड़ी आंदियां ने कुड़ियां मुंडे फिर भी थोड़ा डर जांदे लेकिन कुड़ियां दा स्टाइल अलग ही हुंदा ये है हमारे मुबारक भाई इनसे हमारी तकरीबन 3 साल बाद मुलाकात हो रही है बहुत अच्छे इंसान हैं इन्होंने जो है ना हमारा बहुत ख्याल रखते थे जब यहाँ पर आप पढ़ते थे थैंक यू शुक्रिया ठीक है लाजमी चक्कर लगाया अगर जान गए तो ठीक है शुक्रिया शुक्रिया फाइनली तो अभी हम प्रभा टेक सिंह से बैठ गए गाड़ी आई थिंक ये हमारा फर्स्ट जो है वो ड्राइवर है इकट्ठा ठीक है अभी इसी से हमने स्टार्ट करना है अभी फैसलाबाद गए हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इस्लामाबाद जाने उससे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह अगर हम अच्छे स्टेबलाइज हो गए तो हम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पहले नहीं बताते कोई काम करने से पहले नहीं बताते वो काम नहीं नहीं हो सकता कुछ देखने वाले जो है वो बेस्ट विशेज भी करते हैं हो सकता उम्मीद तो नहीं है बाकी जलने वालों का जो है ना बाकी जलने वाले का मुंह काला हमारी तो शर्ट काली है उनका मुंह काला बाकी हमने जो है ना वो क्या बनवाया अथॉरिटी यार आपको पता ही नहीं यार मेरा इस टाइम दिमाग नहीं का अच्छा हमने अथॉरिटी लेटर कॉलेज से बनवा लिया अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी वहाँ पर वो अथॉरिटी लेटर दिखाएंगे फिर उसके बाद हमारी जो है ना डिग्री वो तकरीबन 1-2 महीने का प्रोसेस होता है 4 मंथ का प्रोसेस होता है उसके बाद हमें जो है ना डिग्री रिसीव होगी तो बाकी मिलते हैं आपको फैसलाबाद जाकर अभी हम टोबा टेक सिंह के अड्डे से बैठ गए हैं और टाइम हुआ 2 बजने वाले तकरीबन 2 बजने में 2 मिनट रहते हैं और यहाँ से पता नहीं गाड़ी किस टाइम चलती है तो मिलते हैं आपको फैसलाबाद जाकर ट्रैक पूरे 2:05 पर गाड़ी निकल चुकी है टोबा टेक सिंह से देखते हैं कि फैसलाबाद ये कितने टाइम है 4:04 पर हम पहुँचे हैं फैसलाबाद अभी 4 बजे जो यूनिवर्सिटी बंद हो जानी है इस वजह से हम जो है ना कल का प्रोग्राम बना रहे हैं 4 बजे यूनिवर्सिटी बंद हो जानी थी तो अभी लेट हो गए हैं ज़्यादा हमारे साथ जो है ना टोबा टेक सिंह में ये ग्रेजुएशन करते रहे हैं ये हैं जीशान भाई की क्लास फेलो जी ये कुछ नए दोस्त हमें मिले हैं उनके हॉस्टल में जी सीरियस हो गया सर मैं आ रहा कुछ भी नहीं सारा होने जानने इस ना नमाज शमाज पढ़ ली है ना बहुत ही प्यारे दोस्त असद अब्बास गुजर साहब हमें मुस्तफ़ा साहब हमें रेस्टोरेंट पर लेकर आए हैं डिनर करवाने तो अभी फिलहाल हम यहाँ से करेंगे डिनर डिनर करने के बाद आपको जो है ना मेरे फोन में आगे ब्लॉग स्टार्ट करेंगे चपली कबाब और ये है गुलाब जामुन और साथ ये रोटी अच्छा नमकीन रोस्ट वेलकम सर कभी आए ना खुशबू लगा कर जाएं चलो रोटी ने इंतजार ना कराओ अपना पुराना वक्त याद कर रहा हूँ जब आप लोगों के साथ मैंने BS में हॉस्टल लाइफ गुजारी वही यादें ताजा हो गई माशाल्लाह शुक्रिया रोटी स्टार्ट तो ये भाई बहुत ही अंडरग्राउंड रहते हैं माँ बाप के जो है ना बहुत ही माशाल्लाह लाडले बच्चे हैं मम्मी डैडी बच्चे हैं मम्मी डैडी बड़ी मुश्किल से इनको मनाया कि चलते हैं कोई बाहर आउटिंग करते हैं तो बड़ी मुश्किल से लेकर आए ये कह रहे थे कि मेरे पापा की 10 बजे कॉल आनी है तो मैं जो है ना इसलिए मैंने नहीं आना मुझे लेट हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है फोन ये साथ लेकर आए अभी खड़े हैं एक रिक्शे से उतरे हैं ये GTS जी GTS अभी दूसरे रिक्शे पर बैठ रहे हैं और सवारियाँ अभी पूरी नहीं हो रही 3 हम हैं और 3 और पूरी पीछे हैं पूरी तरीके से ओ भाई कितनी लेट है वो जुगा थी मार दे ता टाइम पास होना जी नहीं किधर जाना अच्छा किधर जाना है आपने डी ग्राउंड जाना है नहीं नहीं वो किधर है लैलपोर्ट गैलरी लैलपोर्ट गैलरी है ऐसा बाहर लो रोड क्रॉस करने का दोबारा पास
सामने ने पुल ध्यान नाल असद गुजर को पहली दफा पुल क्रॉस करने पर सामने को एक शहर लैलपुर गैलरी खूबसूरत मनाजर बिल्कुल परेशान हो जाता घंटा गा रहे So beautiful. So elegant. Just looking like a wow. उत्ते कोई और सीढ़ी रह गए? नहीं सर, हो गई. खत्म हो गई. End. तो सर इतनी मेहमान नवाजी कर देती और तला भी कोई नहीं. काश तो पूछ लो कि आलू है ना. नहीं यार. जबरदस्त. आई इस साइड पे भी है. आउट साइड पे भी है. एक्टर की करेंगे इथे आके ना पढ़ो मैं थोड़ा दे ना सारे भाई ये जैसे हमने बने हुए ना शाहपोश हां एक अपना ब्रांड है अच्छा ये कपड़े पाके ना ये आई तू नाकू आके थोड़ा इन झलक दे ने अच्छा इस नाल ना दी एडवर्टाइजमेंट होवे दी सही है लोग पैसे दे ने जी काफी अमाउंट दे और नाले लोग आके मेरे भाई कह रहे कि वो तस्वीर बना ले नहीं कीमतें चेक करते हैं कैमरा अलाउ नहीं है आपको बाद में बताएंगे अफोर्डेबल इतनी कितनी कीमत है ये देखें इसकी कितनी है इसका नहीं टैग ये मुझे पसंद है ये देखें इस पे टैग लगा नहीं ये भी सर जी टैग देखे हैं नहीं टैग तो है ना लेकिन इस पे जिस तरह का ये प्राइसिंग टैग है वो नहीं सेम कैटेगरी हो नहीं सेम नहीं अच्छा साड़ी औकात मतलब है अंडर है जी नहीं सर नहीं इन औकात इन औकात नरोजी जी शॉपिंग डन और जो शॉपिंग आज हमने की है वो आपको चेक करवा देते हैं जो जो चीज़ें हमने ली हैं इतने महंगे ये पहले हमने लिया है पैरा डाउन टूथपेस्ट नहीं टूथपेस्ट ये दो फेस वॉश हो गए जी ये है 379 आई थिंक ये हो गए जी बाकी ये बिल है सही गुड बाकी एक दो एक बैग ये एक बैग ये हमारी शॉपिंग है शॉपिंग डन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमने बहुत एंजॉय किया है बाकी पूछ के सारे रात की जो मना दे रहे हैं आप सारे गए फोकस पर रहना तो वहां ए ले सर ठीक है खुश खुश है खुश हूं चलें चलें शॉपिंग डन चलो चलें आ जाओ मुफ्त भी ले जाना ना अस कोई नहीं जाना एडा तू गैर दमान नहीं जो हो गई ना जबान ठीक है हर बंदे दी एक अपना होंदी है बंदे दी सेल्फ रिस्पेक्ट होंदी सर मैं तो यकीन कर जो तुम्हारा दिल कोई नहीं सर हकीकत है जा रहे मैं आज पहली बार ये देख के इतना एंजॉय तो सीधा दो साल से रह रहा हूं मैं बाबा हां हां मैंने पहली दफा देख के